टाटा नेक्सॉन वर्सेस विटारा ब्रेजा कंपैरिजन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम कंपेयर करेंगे टाटा नेक्सॉन और विटारा ब्रेजा को। आपको बताएंगे दोनों गाड़ियों में से कौन सा माइलेज अच्छा, किसमें सेफ्टी फीचर ज़्यादा, किसमें फीचर ज़्यादा है, किसके पावर ज़्यादा है, किसका प्राइस कम है। तो पहले बात करते हैं इंजन की। तो नेक्सॉन में आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर 120 bhp की है, टॉर्क 170 Nm का। और इसमें आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसकी पावर 110 bhp की है, टॉर्क 260 Nm का। और विटारा ब्रेजा में आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर 103 bhp है, टॉर्क 138 Nm का। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो नेक्सॉन की लेंथ है 3993 mm और विटारा ब्रेजा की है 3995 mm। नेक्सॉन की वेट है 1811 mm और विटारा ब्रेजा की वेट है 1790 mm। नेक्सॉन की हाइट है 1606 mm और विटारा ब्रेजा की 1640 mm। हाइट में ब्रेजा नेक्सॉन से ऊंची है और वेट में नेक्सॉन चौड़ी है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ट्रांसमिशन की। तो नेक्सॉन में आता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, और विटारा ब्रेजा में आता है 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस के बारे में। तो नेक्सॉन का व्हील बेस है 2498 mm और विटारा ब्रेजा का है 2500 mm, 2 mm का फर्क है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm का और विटारा ब्रेजा का है 198 mm का, 11 mm का फर्क है दोनों ग्राउंड क्लियरेंस में। अब बात करते हैं कर्ब वेट की। तो नेक्सॉन कर्ब वेट 1350 kg और विटारा ब्रेजा कर्ब वेट 1110 kg, 250 किलोग्राम लगभग भारी है नेक्सॉन विटारा ब्रेजा से। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉमन फीचर की, ऐसे फीचर जो आपको दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिलेंगे। पहला फीचर है ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रियर डिफॉगर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और आइसोफिक चाइल्ड सीट। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे फीचर की जो आपको सिर्फ नेक्सॉन में मिलेंगे, विटारा ब्रेजा किसी वेरियंट में नहीं मिलेंगे। फीचर है ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, रोलओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। ऐसे फीचर आपको नेक्सॉन में मिल जाएंगे लेकिन विटारा ब्रेजा में नहीं मिल पाएंगे। और विटारा ब्रेजा में मिलेंगे डे नाइट IRVM, एंटी पिंच पावर विंडो, डुअल प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प्स और LED फॉग लैम्प्स। तो आप देख सकते हैं कि फीचर्स के मामले में ब्रेजा नेक्सॉन से मीलों पीछे रह जाती है। चलिए ये तो होगा फीचर्स की बात, अब चलते हैं अब माइलेज के। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के माइलेज के बारे में। तो नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन का माइलेज 17 kmpl का, और नेक्सॉन के डीजल इंजन का माइलेज है 22 kmpl का, और विटारा ब्रेजा के पेट्रोल इंजन का माइलेज है 18.76 kmpl का, और इसमें डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर में दोनों गाड़ी के प्राइस की। तो नेक्सॉन शुरू होती है 6.9995 लाख रुपीज़ से 12.70 लाख रुपीज़ तक, विटारा पर शुरू होती है 7.35 से 11.40 लाख रुपीज़ तक। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको रोड प्रेजेंस बढ़िया मिले, जिसके लुक जबरदस्त हो, जिसमें आपको फीचर्स भी भरपूर मिले, जिसका इंजन पावरफुल हो, तो आप नेक्सॉन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको माइलेज अच्छा मिले, जिसका आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छा मिले, तो आप विटारा ब्रेजा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।